नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने कैट S60 स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया था मेरे स्प्लिट एसी में प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए। मेरे स्प्लिट एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वो पानी छोड़ रहा था और जो पानी है वो बोर्ड तक भी पहुंच गया था। बोर्ड एसी के नीचे है जैसे कि आप देख सकते हैं। बोर्ड को जैसे ही मैंने खोल दिया तो अंदर पता चला कि पानी है इसमें और अब भी टपक रहा है। आप देख सकते हैं पानी की बूंद यहाँ पर टपक रही है, ये देखिए पानी का बूंद। तो जाहिर है एसी में कुछ प्रॉब्लम है। एसी का जो पानी का आउटलेट होता है जहाँ से पानी छोड़ देता है बाहर, वहाँ से पानी नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है जो कनेक्शन है वो टूट गया है, वो तो अब जब एसी रिपेयर वाला आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन लकीली मेरे पास कैट S60 का स्मार्टफोन था और इसकी खास बात यह है कि इसमें फ्लेयर टेक्नोलॉजी का थर्मल कैमरा है और उस कैमरा का मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो उस कैमरा को मैंने शुरू कर दिया है और उसे मैंने बोर्ड के पास ले गया हूँ। थर्मल कैमरा बेसिकली हीट सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड करता है, इससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। पानी ठंडा होता है, आप देख सकते हैं जो नीला रंग है वो पानी का है। तो बोर्ड के आसपास थोड़ा सा पानी है, ये है बोर्ड। और थर्मल कैमरा के नज़रिए से जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पानी कहाँ कहाँ पे है और ये जो पानी है दीवार के पीछे है। तो आपकी जो साधारण आँखों से आप ये नहीं देख पाएंगे, ये सिर्फ थर्मल कैमरा के ही नज़रिए से आप देख सकते हैं। तो इस थर्मल कैमरा का इस्तेमाल करने के बाद मुझे बड़ी आसानी से पता चल गया है कि पानी कहाँ पर है और प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है। दीवार के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लीकेज है। अगर आप इसे छुएंगे तो गीला है, पानी लीक हो रहा है और थर्मल कैमरा से भी ये बात साबित हो जाती है कि दीवार के अंदर पानी है। तो ये सारा पानी एसी से आया हुआ है, एसी का जो आउटलेट है शायद वो ब्लॉक हो गया है या निकल गया है। ये कैट S60 हैंडसेट का रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया था, आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये हैंडसेट में थर्मल कैमरा आता है और ये हैंडसेट काफ़ी महंगा है क्योंकि थर्मल टेक्नोलॉजी महंगी है। इस हैंडसेट की कीमत तकरीबन 65,000 रुपीज़ है। लेकिन जैसा कि मैंने रिव्यू में भी कहा था कि अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन में आप थर्मल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसा कि अब मैंने इस सिचुएशन में किया है। तो आपकी क्या राय है इस हैंडसेट के बारे में? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।